छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान शराब की ओवर रेट और अवैध बिक्री का मुद्दा भाजपा विधायक राजेश मूणत ने उठाया। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने प्लेसमेंट कंपनी पर प्रदेश को लूटने का बड़ा आरोप लगाया। इस पर विभागीय मंत्री की अनुपस्थिति में जवाब दे रहे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ओवर रेट बिक्री को लेकर प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ जाँच कराने का ऐलान किया। क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है, यह स्पष्ट कर दे किस नीति के आधार पर सरकार पार्टियों से शराब खरीदती है जो शराब की पूर्ति करते हैं। शराब खरीदने की नीति यदि है तो बता दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार छत्तीसगढ़ में शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की, उस नीति के तहत सरकार खरीदती है। साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए खरीदी जाती है। मैंने अध्यक्ष महोदय नीति पूछी, क्या आप टेंडर आमंत्रित करते हो, क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हो, क्या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो कि प्रदेश स्तर पर करते हो, क्या वह व्यक्ति कौन सप्लाई कर सकता है, किसका टर्नओवर कितना है, यही तो मैं पूछ रहा, नीति क्या है। मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पेपर में विज्ञापन होकर के छपा उसका टेंडर आमंत्रित हुआ, तो कितने फर्मों ने 2019 और 2020 और 2021 और 2022 में आपने बताया, ठीक, तो कुल छत्तीसगढ़ में 3 ही खाली लोग आए आज तक। यानी चिंता का विषय, देश में डिस्टिलरी कितनी है वो खाली 3 ही लोग छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते रहे और उसमें देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों का टेंडर कब तक आमंत्रित किया और कितनी फर्मों ने उसमें भागीदारी निभाई, जरा ये बता दे। टेंडर हैं, मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेंडर भी करते हैं और उसमें देसी मदिरा का प्रदाय प्रदेश के केवल 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे और ये राज्य के अंदर से ही लेना था। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे, जब पूरे प्रदेश के अंदर मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्या ऐसा कोई नियम बना है अपना कि राज्य की जो डिस्टिलरी है वही सप्लाई करेगी, ये स्पष्ट दे दें माननीय अध्यक्ष जी सीधा। और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं, 2018 में की सरकार थी, आदमी की सरकार ने तय किया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है, सब नीतियां आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई। यार अभी आप तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं, आप घबरा क्यों, मंत्री जी को उत्तर दे। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं कि क्या जो पॉलिसी आपने कहा छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्टिलरी वाले उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्री, नो प्रॉब्लम, क्या आपने जिले बांट दिए थे कि फलाने फलाने जिले में, इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है। राजेश भैया अभी एक ध्यान दो ना, एक एक आप पूछना, देसी की चिंता है या विदेशी की चिंता है। लोगों ने मिल करके अगर डाका डाला है तो ऐसे लोगों को परिश्रमण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी, मैं काम वाला कर जब शराब नीति बनी थी मेरी बात पर काम हुआ 2018 के बाद। मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से करवाने के लिए एक तो ध्यानाकर्षण कर ले आओ, कहां बीच में प्रश्न करने दो ना, 13, 28, 2003, 2000 से करवा लो। कौन क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है, एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए, आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ कर तो रही है। जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्रवाई इस पर हुई है, सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज्यादा
जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर एसबी ने एफआईआर दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। कार्रवाई आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते मैं यहां वो हो गया। मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार किसने किया, मैं उस पर नहीं जा रहा। कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन, बैठ जाइए आप। उसमें उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्यगंज का अगला प्रश्न इतना ही है, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय को चिंता कर रहे हो यार आप? अरे नियत में, अरे प्रश्नकाल खत्म कर दीजिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुद्दे भी है। अरे अध्यक्ष महोदय आगे बढ़िए, आगे बैठिए, आगे बैठिए, बैठिए, इनका नाम आ गया, बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है, बैठिए। एक लाइन तो 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न को। एक मिनट का उत्तर है, इस प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित घोटाला, दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे रही है, कुछ नहीं। मंत्री बोल देना, मंत्री मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहा है वही अंतिम उत्तर होता है क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी मान लिया, अंतिम उत्तर मंत्री जी को बताओ, क्या जांच नहीं होगी? बोला एजेंसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा? बहुत बढ़िया, धर्म जी बैठिए, 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 आप लोग बैठिए, सब बैठिए, करके खा जाते हैं। माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो